नमस्कार दोस्तों, इम्प्लांटेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि इम्प्लांटेशन एक्चुअली होता क्या है, ये कहाँ होता है, किस समय होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के कौन से स्टेज पे आपका इम्प्लांटेशन होता है, या फिर ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन के कितने दिन बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसकी लिंक ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बॉडी में इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये जानने के लिए आपके बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है या गड़बड़ी होती है इम्प्लांटेशन में, तो आपको कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मुड़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में जो बेल बटन दिया है उसे प्रेस करना न भूले, ताकि जनरल हेल्थ और वुमेन हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। जैसे कि इम्प्लांटेशन के लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब भी एम्ब्रियो बच्चादानी के इनर लाइनिंग को चिपकता है यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, वहां से आपका प्लासेंटा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जब भी प्लासेंटा फॉर्म हो जाता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और ये HCG हार्मोन जो होता है, ये मोस्टली जो लक्षण दिखाई देते हैं इम्प्लांटेशन के वक्त, उसकी वजह से आप में दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कुछ लक्षण जो इम्प्लांटेशन हुआ है या नहीं, सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये बताने के लिए हेल्प करते हैं, वो है नौशिया एंड वॉमिटिंग। कुछ महिलाओं में मचलाहट शुरू हो जाएंगी, उल्टियाँ भी हो सकती है, कुछ काम में मन नहीं लगेगा, यानी कि मूड स्विंग्स हो सकते हैं, किसी ने डांट दिया तो जल्दी मूड ख़राब होगा या फिर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, ये सब चीज़ें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आप में हो सकती है। फिर थकान महसूस होना, कुछ करने का मन नहीं होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, सेकेंड थिंग। देन थर्ड थिंग इज़ हेडेक आपको हो सकता है। फोर्थ थिंग, आपको ब्रेस्ट चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि आपके जो ब्रेस्ट है वो स्वोलन यानी कि सूजन आ सकती है, या फिर टेंडर ब्रेस्ट हो सकते हैं, यानी कि टच करने पर वो पेनफुल ब्रेस्ट आप महसूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग जो है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर इम्प्लांटेशन के वक्त कम होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन डिप कहते हैं। अगर ओव्यूलेशन के बाद हम सीरियल ट्रैकिंग करते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर का, तो सुबह उठते ही जब भी हम हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं तो इन्हीं जो टेम्परेचर है बाकी सब डेज में सेम रहेगा, जब इम्प्लांटेशन होता है तो कुछ डिग्रीज से आपका टेम्परेचर कम हो सकता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन डिप कहते हैं। फिर इसके बाद में कुछ महिलाओं को फूड क्रेविंग्स हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने का मन कर सकता है, रात में भी खाने का मन कर सकता है, रात में उठ उठ के आपको भूख लग सकती है, बहुत ज़्यादा खाने का मन हो सकता है। और इसके अपोजिट कुछ महिलाओं में हो सकता है यानी कि फूड एवर्जन्स, यानी कि कुछ खाने का मन नहीं करेगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग हो सकता है, और कुछ भी खाने का मन आपको नहीं कर सकता है। फिर लास्ट थिंग जो बहुत से महिलाओं में देखी जाती है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि अगर जब भी आपका एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस के इनर लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम को पेनिट्रेट करता है, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्रेक होती है यानी कि रप्चर होती है, और ये इम्प्लांटेशन के वक्त जो वेसल्स ब्रेक होती है, रप्चर होती है, उसकी वजह से आपको स्लाइट ब्लीडिंग हो सकती है। सो बहुत सी महिलाएं इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाती है कि जैसे कि महावारी के वक्त या महावारी के 2-4 दिन पहले भी ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपको हो सकती है। ये जो ब्लीडिंग होती है ये बहुत ही हल्की होती है, स्पॉटिंग होता है पिंक कलर की या ब्राउनिश कलर की ब्लीडिंग आपको होती है, बहुत ही वाटरी ब्लीडिंग ये होती है, थिक ब्लीडिंग ये नहीं होती, और हार्डली 1 या 2 घंटे के लिए या 1 या 2 दिन आपको स्पॉटिंग हो सकती है। नॉर्मल पीरियड्स जैसे आती है वैसे ये ब्लीडिंग नहीं होती, पर बहुत सी महिलाएं इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाती है कि शायद मुझे पीरियड्स आ गया, सुन मुझे प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, बट नहीं, इतना हल्का ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, पिंकिश कलर का है, तो शायद ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है। तो उसके 8 दिन बाद भी आप अगर कभी कभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो शायद पॉजिटिव वो आ सकता है।
और एक चीज़ में जो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी इन सिम्टम्स के बारे में, वो ये है कि इनमें से सभी सिम्टम्स कुछ महिलाओं में सब सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, कुछ महिलाओं में एक या दो, या कुछ महिलाओं में कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। सो इसका मतलब, सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट अगर आप में ये सिम्टम्स दिखाई, ओवुलेशन के कुछ दिन बाद ये सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, तो डोंट स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इसका टेंशन ले लेती है। ये स्ट्रेस आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि जो अगर स्ट्रेस आपका बढ़ता है तो इम्प्लांटेशन होने के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने के बाद भी आपको ब्लीडिंग शुरू हो जा सकती है, यानी कि आपका अबॉर्शन हो सकता है। सो इवन इफ आफ्टर मिस पीरियड होने के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, वेट फॉर 1 वीक, 2 वीक, और इवन आफ्टर 2 वीक्स इट इज़ नेगेटिव, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। फिर इसके बाद में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ये यूट्रस में होता है। बट अगर ये इम्प्लांटेशन एबनॉर्मल होता है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम होती है यूट्रस की बजाय, अगर ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाता है, या ओवरीज में चिपक जाता है, या फिर सर्विक्स में इम्प्लांट होता है, तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि गर्भाशय के बाहर कहीं पे भी अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कहती है। वो फुल टर्म तक कंटिन्यू नहीं हो सकती, वो कुछ ही दिन में, 2 महीने में, 1.5 या 2 महीने में रप्चर होके आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है। सो ऐसा क्यों होता है? सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो एम्ब्रियो का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जोना पेल्यूसिडा, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आने के बाद, यानी कि यूट्रस में आने के बाद, ये डिसअपियर होने लगता है। बट ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है फैलोपियन ट्यूब में से ट्रैवल करते वक्त, अगर फैलोपियन ट्यूब में ही जोना पेल्यूसिडा जल्दी डिसअपियर हो जाता है, तो ये फैलोपियन ट्यूब के वॉल को चिपक जाएगा, वहाँ पे प्लासेंटा फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे एम्ब्रियो की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। सो अगर ये एम्ब्रियो रिवर्स ट्रैवल करता है, ओवरीज की तरफ ट्रैवल करता है और वहाँ चिपक जाता है, तो ओवेरियन प्रेगनेंसी। और वैसे ही अगर ये एम्ब्रियो जोना पेल्यूसिडा सर्विक्स तक डिसअपियर नहीं होता और वहाँ जाके डिसअपियर होता है, तो मे बी आपको सर्वाइकल प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही में बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।